Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialist in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, that is about genetics. जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं जीन्स या फिर डीएनए, जो कि रिलेटेबल है हमारे जेनेटिक्स से, क्योंकि डीएनए ही ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि किसी भी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को डॉटर सेल्स तक पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, दैट मीन्स सब में रिप्रोडक्शन होता रहता है। अभी रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि जो पेरेंट्स में जो भी जेनेटिक मटेरियल है सेम वैसे ही जेनेटिक मटेरियल का सेम कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो। अभी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ की जो साइकिल है वो प्रॉपरली चलनी जरूरी है। अगर एक इंसान मरेगा और उसके बदले कोई नया इंसान पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा? लाइफ साइकिल कहीं ना कहीं आगे जाकर के रुक जाएगी। तो ये लाइफ साइकिल ना रुके, इसीलिए जेनेटिक्स क्या होता है, धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। जो भी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए के अंदर कोड होती हैं और डीएनए के अंदर कोडिंग होकर के वो पहुंचती है हमारे जो भी डॉटर सेल है उस पे। तो अगर हम जेनेटिक्स को डिफाइन करना चाहें, सो जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटरी इन ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स जो हमारी जेनेटिक्स है वो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है अलग अलग स्टडी ऑफ जीन से, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, हमारे बॉडी के अंदर चाहे वो प्रेजेंट है या फिर एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो जितने भी टाइप के जीन्स हैं उनके बारे में स्टडी करना। उसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस की जीन्स तो है, हमें पता है कि अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, तो उन अलग टाइप के जीन्स की वजह से क्या वेरिएशंस आ रही है या फिर जैसे बोलते हैं क्या म्यूटेशन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। मदर और फादर से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचेगी, लेकिन बच्चे में कुछ अलग जीन्स भी होते हैं जो कि उसे आइडेंटिकल बनाते हैं। सो इसके अलावा हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हेरिडिटी दैट मीन्स कि कौन कौन सी चीजें सेम है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल या मेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बच्चे में सेम हो सकती हैं। अब इसी हेरिडिटी को समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मदर या फादर में से कोई भी एक एथलीट है, तो उसके बच्चे में क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो उनका बेबी है उसको भी एथलीट या फिर जो भी खेल कूद वाली चीज है, स्पोर्ट्स वाली चीज है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो उसके जीन्स हैं वो मदर फादर से उसे वैसे ही आए हैं, तो वो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई बीमारी हो तो बीमारी में भी हेरिडिटी हो सकती है। तो जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए का, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन्स भी कहते हैं, कि जीन्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो है डीएनए, क्योंकि जो सारा काम कर रहा है, जो भी सारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है या फिर उसकी कोडिंग कर रहा है, वो होता है डीएनए। सो जो भी जीन्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इसके अलावा जो भी हमारे जेनेटिक सिम्टम्स होते हैं या फिर जो जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं उसको एक जगह से या फिर पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचाना। सो जितना भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए। डीएनए दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को जीन्स की फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, दैट मीन्स जो जीन्स हैं वो तभी फंक्शन करेंगे जब उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीएनए का ही काम है कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कोडिंग करना। तो कोडिंग के अनुसार ही क्या होता है, जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी पेरेंट से बच्चे तक पहुंचती है। सो अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेरेंट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली बच्चे तक पहुंच जाएगी। अगर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जेनेटिक कोडिंग में कुछ डिफरेंस आ जाता है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। अभी म्यूटेशन क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पूरे फ्लो में चल रहा है प्रॉपरली, अब उस फ्लो में कहीं पे ब्रेकेज हो जाए या फिर कुछ और चीज उसमें ऐड हो जाए जिसकी वजह से जो सेल है वो गड़बड़ हो जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स इन म्यूटेंट सेल्स को, जो कि म्यूटेशन हो गया जिन पे, जो कि बॉडी के लिए खराब है या फिर कोई डिजीज कॉज कर सकती है, कोई डिसऑर्डर कॉज कर सकती है, तो उस चीज को ये डिटेक्ट कर लेती है जो हमारी इम्यून सेल्स होती है। तो इम्यून सेल्स उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। बट बहुत बार क्या होता है कि इम्यून सेल्स इन म्यूटेशन वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है या फिर पहचान नहीं पाती है, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीज या फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर हम जेनेटिक्स में सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारा डीएनए स्टोर रहता है। सो क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं सब में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट आरबीसीज और जो हमारी सेक्स सेल्स हैं जिसे हम बोलते हैं गैमेट्स, क्योंकि ये सारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकती। जितनी भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं सब में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब क्रोमोसोम्स का काम होता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है
उन सबकी एक कॉपी अपने अंदर रखना। दैट मीन्स अगर हमने बॉडी का कोई भी सेल ले लिया और उसमें हमने टेस्ट करना चाहे हम क्रोमोसोम्स को या फिर किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट है, तो सारी टाइप की सेल्स से हमें डीएनए का पता चल जाता है। जैसे कि आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि हेयर का हम सैंपल ले लेते हैं या फिर सलाइवा का कोई सैंपल ले ले या फिर किसी भी टाइप के बॉडी के किसी भी फ्लूइड का या किसी भी सेल का अगर सैंपल ले लिया जाए तो उस सैंपल से हम डीएनए का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं सब में हमें पता है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। सो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं? सबसे फर्स्ट यूनिट है जो सबसे फंक्शनल या फिर सबसे जो छोटी यूनिट होती है जेनेटिक्स, उसे बोलते हैं हम डीएनए। सो डीएनए मेनली एक डबल हेलिक्स मॉडल है, फर्दर हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो डीएनए की एक डबल हेलिक्स मॉडल है जिसमें कि अलग अलग प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस डीएनए को अच्छी तरीके से कॉइल करने का काम करते हैं। कॉइल करना मतलब कि अच्छी तरीके से मोड़ना या फिर पैक करना। तो ये क्या होंगे, हिस्टोन जो एक टाइप का प्रोटीन है वो इस डीएनए को कॉइल करना यानी कि एक उसमें बांधना, ठीक है, उसका काम करते हैं। तो कॉइल करके डीएनए क्या हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, घूमे घूमे से पूरी फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं, जब हिस्टोन के साथ डीएनए जुड़ते हैं तो उस स्टेट को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, या फिर उस फॉर्म को डीएनए की हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। फिर जब क्रोमेटिन भी बहुत हैवीली कॉइल्ड हो जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं साइज में, तो वो बना देते हैं हमारे क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स क्या है, इसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की से भी छोटी जो यूनिट है वो होती है डीएनए, ठीक है। तो जब नॉर्मल फॉर्म है तो नॉर्मली अगर हम क्रोमोसोम्स को देखना चाहें तो नॉर्मली हम क्रोमोसोम्स विजिबल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत ये जैसे क्रोमेटिन का फॉर्म है ना, जिसमें कि ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे ही इनको डिवीजन की बारी आती है, दैट मीन सेल डिवीजन वाली जो स्टेट आने वाली होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी क्रोमेटिन है होता है वो प्रिपेयर होता है क्रोमोसोम्स बनने के लिए। दैट मीन्स क्रोमेटिन अभी क्या है, बहुत ज्यादा फैला फैला सा स्ट्रक्चर है इसका। जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा एक साथ और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट होकर के, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, ये कंबाइन हुआ, इसके बाद और ज्यादा कंबाइन हुआ, इसके बाद और ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर के क्या हुआ, क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स बनने के लिए डीएनए जरूरी है, डीएनए से मिलकर के हमारा बनता है क्रोमेटिन, और बहुत सारी क्रोमेटिन क्या होंगे, आपस में हेविली कॉइल होकर के बहुत अच्छे से घूम करके वो बनाएंगे हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब इस पेयर में से एक क्रोमोसोम होता है जो कि फादर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम होता है जो कि मदर से आता है। दैट मीन्स फादर और मदर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है या फिर जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती है वही बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमें पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनकी पेयर में हम इनको काउंट करें तो 23 पेयर प्रेजेंट होता है हमारी पर्टिकुलर हर एक सेल में। ये ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स को या फिर बोले जाए कि 23 जो पेयर्स हैं उनमें से 22 पेयर्स होते हैं XX, जो मैंने यहाँ लिखा है कि XX वाले जो पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं। अब एक लास्ट पेयर जो कि 23rd पेयर होता है वो होता है डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं X और Y, उसमें एक X प्रेजेंट होता है और एक Y प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो भी बेबी होने वाला है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। नेक्स्ट है जीन्स, ठीक है, नेक्स्ट है जीन्स। एज वी नो कि डीएनए जीन्स की फंक्शनल यूनिट है, तो जीन्स के अंदर अलग अलग फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, तो वो कहलाते हैं जीन्स। तो जीन्स के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सो दैट हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो ना रुके। तो इसलिए क्या करते हैं, जीन्स कॉन्स्टेंटली प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहते हैं। अब ये जीन्स क्या है, यही जीन्स मिलकर के ही हमारी जो क्रोमोसोम्स है इनको बनाते हैं। बट क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, जब हमारी बॉडी में सेल को डिवाइड होना हो। अगर डिवाइड नहीं होना है तो उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, जीन्स के फॉर्म में वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जीन्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कोड्स में प्रेजेंट रहती है। अब उन कोड्स की वजह से ही क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स बन सकते हैं। दैट मीन्स जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतने ज्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में बनेंगे। तो एक रिसर्च की माने तो हमारी बॉडी के अंदर 24,500 जीन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर 24,500 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसे सिर्फ कुछ ही अभी तक डिस्कवर हो पाए हैं।
तो इतनी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन अलग अलग प्रोटीन के प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी को काम करने की पावर मिलती है, मेटाबॉलिज्म की पावर मिलती है, जो भी आपकी ग्रोथ है उसकी पावर मिलती है, या फिर बॉडी में जिंदा रहने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए पावर मिलती है या फिर एक फ्यूल मिलता है। सो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए, दैट मींस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए ही हमारी पूरी जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि सारे फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है। सो अब हम देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। सो अगर हम डीएनए के लेंथ की बात करें तो एक पर्टिकुलर सेल में एक मीटर लंबा डीएनए हो सकता है, दैट मीन्स एक मीटर लंबा तक का डीएनए हो सकता है जो कि सुपरली हैवीली कॉइल होकर के माइक्रोमीटर्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। सो इसके स्ट्रक्चर में आगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स दैट मींस हेलिक्स होता है एक कर्ल होना या फिर एक तरीके से मुड़ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स हैं, तो ये दो स्ट्रैंड्स क्या है, पहले खुद से कर्ल है और फिर आपस में क्या है, खुद से ऐसे जुड़ी हुई है या फिर आपस में पूरी ऐसे मुड़ी हुई है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का। सो डीएनए के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट प्रेजेंट होता है शुगर, ठीक है, सेकेंड है बेस, और थर्ड प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो शुगर प्रेजेंट होती है हमारे डीएनए में वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्योंकि है तो न्यूक्लिक एसिड, उसमें शुगर प्रेजेंट है हमारी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। उसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिस हेल्प करते हैं जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी कोडिंग में, ठीक है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जाने वाली है या फिर प्रोटीन की जो भी सिंथेसिस होने वाली है, तो सबके लिए कोडिंग जरूरी है। तो पर्टिकुलर कोडिंग करने के लिए हमारे बेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे डीएनए में चार टाइप के बेस प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट है एडिनिन, सेकेंड है ग्वानिन, थर्ड है थायमिन और फोर्थ है साइटोसिन। तो अभी जो भी बेस होते हैं चार के चार हमारे डीएनए के अंदर अरेंज्ड होते हैं। अब इनके अरेंज होने का मैनर कैसे होता है कि जो भी फॉस्फेट या फिर जो भी हमारा शुगर ग्रुप है उसके साथ ये बेस हमारे ज्वाइन होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो ब्लैक कलर का है ये है डीऑक्सी शुगर और इसके बाद आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या होती है, ये जो स्ट्रैंड है ये सेम स्ट्रैंड है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। तो ये स्ट्रैंड को हम पहले यहां समझ लेते हैं कि एक हमारा शुगर ग्रुप होगा, फिर एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर एक शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे करके पूरी स्ट्रैंड बनती है। इसी स्ट्रैंड को क्या कर दिया है, कॉइल कर दिया, यानी कि घुमा दिया है। अब जैसे फर्स्ट स्ट्रैंड का अरेंजमेंट है तो सेम अरेंजमेंट सेकेंड स्ट्रैंड का भी होगा। पहले तो इन दोनों को कॉइल कराया जाएगा अलग अलग, फिर वापस से इनको आपस में कॉइल कराया जाएगा। तो आपस में कॉइल कराने के बाद पर्टिकुलरली डीएनए का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो डीएनए के अंदर हमें पता है कि बेस प्रेजेंट होते हैं, बस इस बेस के प्रेजेंट होने का या फिर इस बेस के कनेक्ट होने का जो पैटर्न होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। दैट मीन्स पहले से ही हमारे डीएनए को पता है कि उसे किसके साथ पेयरिंग करनी है। जैसे कि जो एडिनिन है ए, उसको पेयरिंग करनी होती है थायमिन के साथ, तो हमेशा पहले से ही प्रेडिक्टेबल है कि एडिनिन को थायमिन के साथ ही पेयरिंग करनी है। तो इस टाइप की जो हमारी बेस पेयरिंग होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ग्वानिन है उसे पता है कि साइटोसिन के साथ ही उसने पेयरिंग करनी है, तो इस चीज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर ये पेयरिंग खराब हो जाती है, दैट मींस एडिनिन अगर साइटोसिन के साथ पेयर हो जाए या फिर ग्वानिन थायमिन के साथ अगर पेयर हो जाए, तो इस वजह से जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या फिर न्यूक्लिक एसिड की जो प्रिपरेशन थी वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जो भी सेल्स होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, प्रोटीन का सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हमारी जो जेनेटिक पैटर्न है या फिर जो हमारे बेसिस है वो सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में अगर कनेक्ट नहीं हुए तो। अब जो भी ये स्ट्रैंड्स हैं दोनों डीएनए की, ये न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, उसके अलावा उसमें शुगर प्रेजेंट है और बेसिस भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो भी हमारे बेसिस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। सो एज वी नो कि डीएनए के अंदर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और वी कैन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है अलग अलग कोड्स के फॉर्म में। अब उन कोड्स का जो भी प्रोडक्ट बनता है मोस्टली वो होता है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है कि प्रोटीन ही होता है जो कि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है।
उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होनी है उसमें जितने भी एंजाइम्स चाहिए या फिर जो भी केमिकल्स चाहिए वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन का हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही मिलकर के बनी हुई है प्रोटीन से। तो अब इन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए फर्स्ट चीज सही होती है हमें mRNA, दैट मींस मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA एक सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या करती है, जो न्यूक्लियस में DNA में जो भी कोड्स प्रेजेंट होते हैं उन कोड्स को अपने ऊपर कॉपी कर लेती है, और कॉपी करने के बाद उसको बाहर लेके आती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो mRNA के अलावा सेकेंड चीज हमें चाहिए होती है अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब उन अमाइनो एसिड्स का भी रोल प्ले होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो जो भी mRNA जो भी सिग्नल या फिर जो भी कोडिंग लेकर के आता है उसे लेके जाता है राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स में जो भी अमाइनो एसिड है वो मिलते हैं, और जो RNA की कोडिंग है वो दोनों मिल करके प्रोटीन के सिंथेसिस को करते हैं। अगर हम बात करें mRNA की, तो mRNA दैट मींस मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है कि DNA और RNA में डिफरेंस होता है। जो DNA है वो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो RNA है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल है। DNA में जो बेसिस होते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, जो RNA है उसमें होता है एडेनिन, यूरैसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। दैट मींस जो थाइमिन है उसके बदले यूरैसिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस होता है, लेकिन mRNA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी प्रोटीन है उसके सिंथेसिस में। तो जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो उसी टाइम पे न्यूक्लियस से ही mRNA का जनरेशन होता है। तो mRNA क्या करता है, जो भी कोडिंग है DNA की उसको अपने ऊपर कॉपी कर लेता है, यानी कि जो भी यहाँ पे कोड आ रहे होंगे उसको अपने अंदर कॉपी कर लेगा, और कॉपी करने के बाद उसको जो भी बाहर साइटोप्लाज्म में उसमें ले आएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें पता है कि सारे के सारे जेनेटिक कोड्स DNA के अंदर स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो DNA का हेलिक्स है इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, दैट मींस DNA को हमें ओपन करना पड़ेगा। DNA को ओपन करने के बाद क्या होगा, mRNA इससे आकर के अटैच होगा। बट आपको पता है कि mRNA सिंगल स्ट्रैंड है, इसीलिए mRNA DNA के दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के साथ जाकर के अटैच होगा। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड के साथ जाकर के अटैच होगा, तो उससे कैसे वो बेस पेयरिंग लेगा। अगर यहाँ पे एडेनिन ग्रुप है DNA में, तो जो RNA है उसमें खुद से ही क्या हो जाएगा, यूरैसिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि RNA में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्टली उसमें यूरैसिल ग्रुप सीधे ही अटैच हो जाएगा। अगर DNA में ग्वानिन ग्रुप है तो साइटोसिन ऐड हो जाएगा, अगर एडेनिन है तो फिर से यूरैसिल, या फिर अगर थाइमिन है तो उसकी जगह फिर से RNA में एडेनिन ग्रुप ऐड हो सकता है, लेकिन सिर्फ थाइमिन ग्रुप ही ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि थाइमिन की जगह जो भी हमारा RNA है उसमें यूरैसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जिस जीन की रिक्वायरमेंट है उसी जीन के जो DNA है वो एक्सपोज होंगे, अदरवाइज बाकी जीन्स के DNA एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वजह से सारी मिक्सिंग हो जाएगी और प्रोटीन की सिंथेसिस गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो बाकी के बाकी सारे जीन्स क्या रहेंगे, रिमेन इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन जो हमारा DNA है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है सिर्फ वही जीन एक्सपोज होगा। अब एक्सपोज होने के बाद जैसे ही सिग्नल आया तो mRNA तो चला गया, अब DNA क्या हो जाएगा, वापस से जिप अप हो जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको जिप अप करने का काम करते हैं। अब mRNA में जितने भी जीन्स है उनकी कॉपी हो गई है, तो mRNA न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, जो हमारे न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट है उनके थ्रू साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें कि DNA से mRNA फॉर्म होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा कि DNA ओपन होगा, उसमें mRNA अपना जितना भी कोड है DNA का उसको कॉपी करेगा। तो DNA से जो mRNA बनने वाली प्रोसेस होती है, mRNA में जो भी कोडिंग होने वाली प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दैट मींस mRNA जो भी इंफॉर्मेशन लेके आया है कोड्स के फॉर्म में, उन कोड्स को रीड करना और उससे प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस कैसे होता है कि mRNA जितना भी इसका कोडिंग है उसको लेकर के जाता है राइबोसोम्स तक, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। उसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इन दोनों जगहों पे mRNA अपने कोड्स को लेकर के जाएगा और प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। सो जो भी ये जेनेटिक कोड्स होते हैं हमेशा ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होते हैं, और इन ट्रिप्लिकेट्स को बोलते हैं कोडॉन।
ठीक है, इनको कोडोन बोला जाता है क्योंकि ये ट्रिप्लिकेट्स फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब इन ट्रिप्लिकेट्स का फायदा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स एसेंशियल जो है वो 20 है, दैट मीन्स 20 अमाइनो एसिड्स को ही हमारी प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्ट लेना है। तो जो भी हमारे कोडोन्स हैं उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हो, तो इसलिए जो कोडोन्स हैं या फिर जो हमारे जेनेटिक कोड है वो कोडोन्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जो ए सी ए कोड है ये स्पेसिफिक होता है सिस्टीन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फिर पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से ही जाकर के जुड़ेगा जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्राइबोसोम्स क्या करेगा, जैसे ही जो एमआरएनए की कोडॉन है उसको उस कोड्स को वो रीड करेगा, उन कोड्स को रीड करने के बाद जो भी उसे अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड्स लगेंगे तो उसको उसमें ज्वाइन करता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरी प्रोसेसिंग होगी और जो हमारी प्रोटीन की चेन है या फिर जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, अब कुछ प्रोटीन्स को तो जो सेल है वो खुद से ही यूज कर लेती है, अगर सेल्स खुद से यूज नहीं कर रही है तो उन प्रोटीन्स को सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बॉडी के बाकी पार्ट्स में यूज करने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे लास्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर टाइप का जीन पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को ही सिंथेसाइज करेगा। सो कभी कभी क्या होता है कि जो सिंथेसाइज प्रोटीन है वो हमारे पर्टिकुलर सेल को जरूरत नहीं होती है, तो तब क्या होते हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी पैरामीटर्स होते हैं, फिर रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को या पर्टिकुलर जीन को स्विच ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स या फिर अलग अलग प्रोटीन्स का रोल होता है। तो जो रिक्वायर्ड नहीं होता है तो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर जीन एक्सप्रेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं या फिर रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं जो कि उनको कंट्रोल करते हैं और एक्सेस प्रोटीन को वो ब्लॉक कर देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दैट मीन्स जो भी पेरेंट्स है उनके जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, तो वो कितने परसेंट तक ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर किस तरीके से वो ट्रांसफर हो सकते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसी में फर्स्ट है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सो हमें पता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, उस पेयर में से एक जो क्रोमोसोम है मदर से आता है और एक आता है फादर से। तो कुछ ऐसी डॉटर सेल्स जिसमें सेम टू सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि पेरेंट्स में है तो उनको बोला जाता है एलिलीज। बट ये सेम एलिलीज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे जीन्स हैं जो कि मदर और फादर से आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं, फर्स्ट है होमोजाइगस और सेकंड है हेटरोजाइगस। सो अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जीन्स क्या होते हैं सेम टाइप के होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया होमोजाइगस। तो ये जीन्स जो सेम होते हैं इसमें दोनों जीन्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों रिसेसिव होंगे। दैट मीन्स डोमिनेंट यानी कि जो एक दूसरे पे अपना प्रभाव डाले और रिसेसिव यानी कि जो एक दूसरे से दब जाए, कि एक जीन है वो दूसरे जीन का जो भी असर है उससे दब जाए यानी कि अपना एक्शन प्रोड्यूस ना कर पाए, और डोमिनेंट यानी कि जो दूसरे पे अपना एक्शन प्रोड्यूस कर ले, उसको अपना एक्शन प्रोड्यूस ना करने दे खुद अपना एक्शन प्रोड्यूस कर दे, तो उनको बोला जाता है डोमिनेंट। तो जो होमोजाइगस जीन्स होते हैं इसमें क्या होता है, दोनों या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। अब अगर हम हेटरोजाइगस की बात करें तो हेटरोजाइगस दैट मींस इसमें अलग अलग टाइप की जीन्स प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, या तो एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा या फिर एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो मेनली फिजिकली हो सकता है, दैट मींस बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ फिजिकल एबिलिटी होती है जो कि सिर्फ उनमें ही होती है या फिर उनके पेरेंट्स में होती है उनसे उनमें आई होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए कि किसी के टंग को रोल करने की जो प्रॉपर्टी है कि वो एकदम से टंग को अच्छी तरीके से रोल कर सकते हैं, और उनके मदर फादर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कोई एथलीट है तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे होंगे उनकी बॉडी भी फ्लेक्सीबल होगी। उसके अलावा जैसे आईज का कलर होता है कि स्पेसिफिक किसी का आई का कलर कुछ अलग सा डिफरेंट होता है, ठीक है, अगर दोनों मदर फादर ऐसे हैं कि दोनों की आईज का कलर ब्राउन या ब्लैक से कुछ डिफरेंट है तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनके भी आईज का कलर कुछ डिफरेंट होगा। सो इसी को एक इजी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, टंग रोलिंग वाला एग्जांपल लेकर के, कि जो कैपिटल टी है इसको हमने बोला है कि डोमिनेंट टंग रोलिंग जीन है, ठीक है, कैपिटल टी दोनों में प्रेजेंट है, अभी मैं इसको समझाऊंगी। तो कैपिटल टी है डोमिनेंट यानी कि जो दूसरे पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा डोमिनेंट टंग रोलिंग जीन जो कि अच्छी तरीके से टंग को रोल कर सकते हैं। सेकंड है जो कि कैपिटल टी है इसको हमने बोला है रिसेसिव प्रॉन टंग रोलिंग जीन, दैट मींस रिसेसिव है दैट मींस दूसरे से दब जाएगा और ये टंग को भी रोल नहीं कर सकते ऐसा जीन है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाई है, इसमें हमने क्या दिखाया, यहाँ पे पैटर्नल जीन है यहाँ पे मैटर्नल जीन है, दैट मींस यहाँ पे फादर से आए हुए जीन है और ये मदर की जीन है। तो फादर के जीन में भी एक जीन ऐसा है जो कि हमारा
डोमिनेंट है और मदर के जीन में भी एक जीन ऐसा है जो कि डोमिनेंट है और बाकी दो जीन है जो कि रिसेसिव है। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो दैट मीन्स दोनों मदर फादर अपनी टंग को रोल कर सकते हैं तो उनके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो अपनी टंग को रोल कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं कि पैटर्नल जीन अगर ये वाला टी इस वाले टी के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस है तो हमें पता है या तो ये डोमिनेंट होंगे या फिर ये रिसेसिव होंगे। तो इस केस में क्या होंगे, ये डोमिनेंट है, दोनों ही आपस में डोमिनेंट होंगे तो क्या होगा, टंग रोलिंग क्या हो जाएगी, हो सकती है। इसके अलावा जो टी है स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, जो हमें पता है कि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। तो कैपिटल टी की डोमिनेंसी की वजह से क्या होगा, जो टंग रोलिंग जीन है वो ज्यादा एक्टिवेट होगा और वो बच्चा जो होगा वो अपना टंग रोल कर सकता है। अब ये जो जीन बना इसको हमने क्या बोला, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों बोला, क्योंकि एक जीन डिफरेंट है और दूसरा जीन उससे डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थर्ड की बात करें, अगर ये वाला टी वाला जीन इस वाले टी वाले जीन के साथ मिलेगा तो हमें पता है कि टी क्या है, डोमिनेंट जीन है, और ये वाला टी रिसेसिव जीन है। तो इस केस में भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस बनेगा, लेकिन जो डोमिनेंट वाला टी है इसकी वजह से टंग रोलिंग वाली प्रॉपर्टी बच्चे में आ सकती है। ठीक है, फोर्थ चांसेस क्या है कि जो रिसेसिव वाला टी है और मदर का रिसेसिव वाला टी है दोनों आपस में मिलेंगे, हालांकि ये होमोजाइगस ही बनाएंगे। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉन टंग रोलिंग वाला जो पर्सन है वो नॉन टंग रोलिंग होगा। दैट मीन्स जो भी बच्चा पैदा होगा वो टंग को रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ आया कि जो 75% चांसेस है कि अगर मदर फादर दोनों के दोनों की एक प्रॉपर्टी है तो बच्चे में 75% चांसेस होते हैं कि वो प्रॉपर्टी बच्चे में भी आए। ठीक है, कि अगर मदर फादर दोनों टंग रोल कर सकते हैं तो 75% चांस है कि उनका बच्चा भी टंग रोल कर सकता है, लेकिन 25% चांस है कि वो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हेरिडिटरी या फिर एक इनहेरिटेंस का एक पूरा चार्ट है कि जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो प्रोड्यूस हो सकती है। डोमिनेंस दैट मीन्स जो दोनों जीन्स है वो आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहें, यानी कि दूसरे पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करना चाहें। तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि बच्चे में कैसे जीन्स आएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और मदर का ब्लड ग्रुप है बी। तो इस केस में क्या, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर बाई चांस जो आरबीसी का जो आउटर मेम्ब्रेन है, हमें पता है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है कि आरबीसी के बाहर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, अब उन एंटीजेंस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, और अगर ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं तो उस केस में होगा ए बी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अगर जो बच्चे की आरबीसीज है उसके बाहर पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए वाला जो हमारा जीन है वो ज्यादा डोमिनेटिंग था तो उसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप आएगा। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के दोनों सेम डोमिनेटिंग थे जिसकी वजह से उन दोनों का ब्लड ग्रुप, मतलब जो हमारी आरबीसीज है इसके बाहर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो उस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसीज के बाहर तो उस केस में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप है वो बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आरबीसीज के बाहर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में मैंने बताया है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का ओ। ठीक है, ओ केस में क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है, क्योंकि ओ के बाहर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर ये किसी भी ब्लड में जाएगा तो कोई भी रिएक्शन ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये किसी को भी, जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में पॉसिबिलिटीज क्या हो गई कि जो भी बच्चा है उसके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं या तो ए बी ए बी या फिर ओ। ठीक है, लास्ट है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो बहुत सारी इनहेरिटेंस होती है जो कि सेक्स पे डिपेंड करती है, दैट मींस मेल है या फिर फीमेल है। तो मोस्टली क्या होती है, जो फीमेल्स हैं वो किसी भी डिजीज की कैरियर होती है, कि जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, कि जैसे डायबिटीज है या फिर कुछ इस टाइप की डिजीजेस हैं जो कि जेनेटिक होती है। तो उस केस में क्या होता है, फीमेल उसकी कैरियर होती है, दैट मीन्स फीमेल को वो डिजीज नहीं होगी, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसे जीन है जो एज अ कैरियर काम कर रहे हैं कि आगे अगर उसके बच्चे होंगे तो उसमें अगर बॉय होगा तो वो उसको अफेक्ट कर सकती है। वहीं जो मेल्स होते हैं वो कैरियर नहीं होते हैं, लेकिन उनमें डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब इसी के लिए हम एक एग्जांपल के रूप में इसको स्टडी कर लेते हैं कि सबसे फर्स्ट है फादर जो कि नॉर्मल है और एक मदर है जो कि कलर ब्लाइंड है, मतलब कलर ब्लाइंड जीन उसके अंदर प्रेजेंट है।
तो कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट है, हमें पता है कि जो मदर है वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हो सकती, वो मोस्टली क्या होती है, उसकी कैरियर होती है। सो मदर के अंदर क्या है, मदर एक कैरियर है जिसके अंदर कलर ब्लाइंड जीन प्रेजेंट है। सो कलर ब्लाइंड जीन को एक्स डैश से शो किया गया है। सो हम बात कर लेते हैं अगर फादर की, तो फादर में दोनों जीन्स नॉर्मल है, ठीक है। अगर फादर का जो एक्स वाला जीन है वो मदर के एक्स वाले जीन से मिल गया तो दोनों एक्स एक्स हैं, यानी कि होमोजाइगस फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल गर्ल होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी वजह से गर्ल होती है। अगर एक्स और वाई मिलते हैं तभी बॉय होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो मदर का एक्स है फादर के एक्स के साथ मिलेगा तो क्या होगा, नॉर्मल बॉय होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंड की। सो जो फादर का एक्स क्रोमोसोम है, जब वो मदर के कलर ब्लाइंड वाले क्रोमोसोम्स के साथ मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो गर्ल है वो कैरियर बन सकती है, क्योंकि उसे फॉल्टी क्रोमोसोम मिल गया ना, क्रोमोसोम में क्या कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से जो भी बच्चा होगा वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। तो क्योंकि फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं, दैट मीन्स किसी भी डिजीज उसको नहीं हो सकती है, वो सिर्फ कैरियर होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी लेकिन वो एक कैरियर बन जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बॉय की बात करें तो कलर ब्लाइंड जीन जब फादर के नॉर्मल जीन से मिला तो उसके इसमें क्या होगा, जो बॉय है वो कलर ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है उनका साइज बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इसीलिए वाई क्रोमोसोम्स में कम जीन प्रेजेंट होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम्स में कम जीन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ज्यादा रसेस नहीं कर पाएंगे कुछ भी चेंज होने को, इसी वजह से जो फॉल्टी जीन है वो इजिली किसी भी बॉय को अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बॉय क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। वैसे कलर ब्लाइंड होता है जिसको रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। तो 50% चांसेस है कि नॉर्मल गर्ल या नॉर्मल बॉय हो जाए, 25% चांसेस है कि जो गर्ल है वो कैरियर बन जाए, और 25% चांसेस है कि जो बॉय है वो कलर ब्लाइंड हो जाए। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट डाउन एंड आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, द इंस्टाग्राम आईडी इज फार्मा _in_ट्यूशन। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडीइंग।